हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। श्योर केरन वेदांता फाउंडेशन का डेयरी विकास एवं पशु प्रबंधन को बढ़ावा देने हेतु साझा प्रयास, उन्नत नस्ल, नवीन तकनीकी एवं दुधारू पशुओं को बढ़ावा देना पशुपालकों की खुशहाली का मुख्य आधार है। चौधरी जन जागरूकता कार्यशाला सवो की ठानी में संपन्न बाड़मेर 14 जनवरी 2022 उन्नत नस्ल नवीन तकनीकी एवं दुधारू पशुओं को बढ़ावा देना पशुपालकों की खुशहाली का मुख्य आधार है। पशुपालक पशु नस्ल सुधार, पशु स्वास्थ्य, पशु पोषण, पशु आवास इत्यादि पर जागरूक होना आज के वक्त की महती जरूरत है। उक्त बात सोसाइटी टू अपलिफ्ट रूरल इकोनॉमी बाड़मेर द्वारा केरन वेदांता फाउंडेशन के सौजन्य से संचालित डेयरी विकास एवं पशुपालन परियोजना के तहत सवो की ठाणी ग्राम पंचायत इटादा में परियोजना के नए कार्य क्षेत्र विस्तार के तहत आयोजित जन जागरूकता कार्यशाला में बोलते हुए संदर्भ व्यक्ति एवं कार्यक्रम प्रबंधक हनुमान राम चौधरी ने कही। उन्होंने उपस्थित अतिथियों संभागियों का स्वागत करते हुए एवं संस्था केरन वेदांता फाउंडेशन परियोजना एवं कार्यशाला के उद्देश्य की स्पष्टता करते हुए कहा कि दुग्ध उत्पादक उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं के बहुत स्तर पर पालन कर डेयरी व्यवसाय को सफल बनावे। चौधरी ने उपस्थित दुग्ध उत्पादकों एवं किसानों से आह्वान करते हुए कहा कि दुग्ध उत्पादक जागरूक व सशक्त बनकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से डेयरी व्यवसाय कर सहकारिता, सामुदायिकता एवं सहभागिता से स्वावलंबी बने। चौधरी ने कहा कि वे नियमित समय पर पशुओं की जांच उपचार कराकर अस्वस्थ पशुओं का तत्काल उपचार करवाने, शीतलहर एवं सर्दी में पशुओं को उचित रख रखाव व प्रबंधन के साथ गंभीर बीमारियों से बचाव हेतु टीकाकरण व डिमरिंग करावे। चौधरी ने उपस्थित दुग्ध उत्पादकों को वृक्षारोपण करने, अंधविश्वास विस्तृतियों का मूल अनमूलन करने, नशा त्यागने का आह्वान करते हुए पशुओं व पशुपालकों का बीमा कराने पर जोर दिया। उन्होंने दुग्ध उत्पादकों को मौसम के अनुसार पशु आवास तैयार करने, संतुलित पशु आहार खिलाने, जरूरत अनुसार हरा चारा का वर्ष पर्यंत उपलब्धता अनुसार उत्पादन कर पशुओं को नियमित खिलाने का आह्वान किया। चौधरी ने कहा कि डेयरी पर नियमित रूप से शुद्ध एवं गुणवत्ता युक्त ताजा दूध देकर दुग्ध उत्पादक अपने पेट को प्रतिष्ठा में इजाफा कर दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादक एवं महिलाएं सशक्त एवं जागरूक बनकर डेयरी सरकारी, गैर सरकारी, नाबार्ड एवं बैंकिंग की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाएं। उन्होंने नेपियर घास, अजोला घास, रिजका रिजका बाजरी, बरसीम चारा, बीट चुकंदर, पशुशाला उन्नत नस्ल के सांड एवं मुरार नस्ल के पांडा का वितरण, टीकाकरण, डिफमरिंग पशुओं एवं पशुपालकों का बीमा, निःशुल्क पशु शल्य चिकित्सा, वाहन का संचालन, प्रबंधन ग्राम स्तर पर ठहराव व पैरावेट का चयन एवं कार्य एवं प्रशिक्षण, नशा एवं नशा के दुष्परिणाम, महिला स्वयं सहायता समूह की महत्ता, अवधारणा गठन एवं बैंक लिंकेज, COVID-19 नियमों की पालना, बचाव एवं सावधानी के साथ 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, नियमित रूप से मास्क लगाने एवं नियमित दिन में 10-12 बार साबुन से साफ हाथ धोने के साथ बचाव एवं अनिवार्य रूप से वैक्सीन दोनों डोज लगवाने हेतु विस्तार से जानकारी देते हुए उपस्थित ग्रामीणों एवं दुग्ध उत्पादकों को डेयरी परियोजना से जुड़कर लाभ लेने हेतु प्रेरित किया। चौधरी ने उपस्थित दुग्ध उत्पादकों को जैविक खेती को बढ़ावा देने के साथ सहकारिता की भावना से एक दूसरे के प्रति समर्पित बनने का आह्वान किया। डेयरी विकास एवं पशुपालन परियोजना की आगामी 1 वर्षीय कार्य योजना के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। उक्त अवसर पर बोलते हुए सहायक परियोजना समन्वयक माला राम गोदारा ने कहा कि दुग्ध उत्पादक डेयरी के प्रति व डेयरी पदाधिकारी दुग्ध उत्पादों के प्रति
जवाबदेही बनी। गुरुद्वारा ने समिति एवं महिला स्वयं सहायता समूह का गठन कर सामाजिक आर्थिक स्थिति दृष्टिकरण पर जोर दिया। कार्यशाला में ओम प्रकाश विश्वोई प्रकाश, श्रीमती रामी देव, हीरा राम सुथार, जबरनाथ स्वामी, श्रीमती बलवती देव, चेतन नाथ, श्रीमती वर्षा देवी, श्रीमती शांता देवी, श्रीमती गंगा देवी, चंपालाल विश्वोई, सुपरवाइजर सोना राम चौधरी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यशाला में 15 महिलाओं सहित कुल 56 संभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला में उपस्थित सभी संभागियों को उच्च क्वालिटी के N95 मास्क का प्रोत्साहन स्वरूप निःशुल्क वितरण किया गया। कार्यशाला की समाप्ति पर कार्यक्रम प्रबंधक हनुमान राम चौधरी एवं समिति सचिव किसान राम विश्वोई ने उपस्थित अतिथियों एवं दुग्ध उत्पादकों का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यशाला में उपस्थित ग्रामीणों एवं दुग्ध उत्पादकों ने ग्राम स्तर पर जन जागरूकता कार्यशाला के आयोजन, नवीन तकनीकी को बढ़ावा देने हेतु संस्था एवं केरन फाउंडेशन का आभार जताया। जागरूक टीवी की बाड़मेर से खास रिपोर्ट।